नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज। अब आज हम पहुंच चुके हैं एक महिला उद्यमी के पास जो गुजरात से आई हुई है, गुजरात से अपना स्टॉल लगाई हुई है नोएडा के सेक्टर 33A में, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा इनके प्रोडक्ट के बारे में कि इनका प्रोडक्ट क्या है और गवर्नमेंट इनको किस तरह से फैसिलिटीज दे रही है और ये अपने कामों में कितना सुविधा महसूस फील कर रही हैं और कितना अपने आप को सहमत हो रही हैं। तो जेके न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। आपका शुभ नाम? वकीला भाविका बिन। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, कहाँ से आई हैं और किस तरह से क्या प्रोडक्ट है आपका और किस तरह से आप काम करती हैं गुजरात में? हम गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला के छोटे से गांव लिमडी में जा रहे हैं और हमारा पटोला का बिजनेस है, ये काम है और ये पायदान भी बनाते हैं, गाड़ी के सीट कवर भी बनाते हैं, सोफे के कवर भी बनाते हैं। जो हमारे ग्रुप की महिला है सब साथ में मिलकर ही बनाते हैं। तो आप लोग के ग्रुप में कितने लोग हैं? हमारे ग्रुप में 12 बहनें हैं। तो ये आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स हैं या आप लोग के स्टाफ में हैं? स्टाफ में है। अच्छा, आप लोग के स्टाफ में हैं। तो आप लोग कब से ये काम में जुड़े हैं? हम 3 महीने से और 3 साल से जुड़े। 3 साल से जुड़ी। तो ये नोएडा में आपका पहली बार आना हुआ है? इसके अलावा आप गुजरात से बाहर भी गई हैं या गुजरात में ही सिर्फ किए? जैसा कि आपने बताया कि गुजरात में ही आपने किया, तो गुजरात से बाहर भी आप लोगों ने किया है? नहीं, गुजरात में ही हम मेला लगा था, वहाँ गए थे और अभी राज्य सरकार ने हमें बाहर भेजा है। तो राज्य सरकार ने अपने खर्चे से भेजा है? हाँ, अपने खर्चे से। अपने खर्चे में वो क्या क्या चीज़ वो बियर करते हैं? इधर रहने की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है, ये स्टोर का कोई किराया नहीं है, ऐसी सुविधा है। और कितने दिनों तक का ये सुविधा ये दे रहे हैं? ये 18 दिन तक। अच्छा, आने जाने का खर्च भी वो देंगे क्या? अभी तो पता नहीं है। अच्छा, अभी पता नहीं है। तो ये अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि ये प्रोडक्ट जो है ये आप लोग किस तरह की मशीन में बनाते हैं? ये हैंडमेड होता है या मशीन से होती है या किस तरह से होती है? नहीं, ये हैंड से हैंडलूम में बनता है, ये पूरा रेशम से बनता है। इसको बनाने में 3 महीने लगते हैं एक साड़ी बनाने में और ये जो है ये पूरा सेट एक दिन में एक दीदी बनाती है। तो 3 महीने जब लगता है तो इसमें कितने कारीगर लगते हैं या कितने आप लोग मिलकर के 3 महीने में काम करते हैं? इसमें 8 लोग लगते हैं तब जाके एक साड़ी बनती है। तो आप लोग की महीने की जो इनकम में अगर मैं पूछूं तो महीने की इनकम कितनी हो जाती है लगभग? महीने में 1-2 साड़ी बिक जाती है। 1-2 साड़ी बिक जाती है। तो ये गुजरात में ही बिकती है या गुजरात के बाहर से भी? हाँ, ले जाते हैं, पाटन वाले ले जाते हैं, इधर गुजरात में भी व्यापारी लोग ले जाते हैं। इसका प्रचार प्रसार आप लोग कैसे करते हैं? आप लोग घर से करते हैं या गवर्नमेंट के थ्रू कहीं दुकान है या किस तरह से आप लोग इन लोग प्रचार प्रसार करते हैं जिससे कि लोगों को ये पता लगे कि आप लोग यहाँ पे माल बेच रहे हैं और किस तरह का माल बेच रहे हैं? पहले तो हमें ऐसे छोटे छोटे व्यापारी ने ऐसे चुना था। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें जेके न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।